विजय वर्गीय के करीबी बिजनेसमैन को गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की धमकी। इंदौर में ब्रिटेन के नंबर से भेजा वॉइस मैसेज। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। इंदौर में टाइल्स कारोबारी और भाजपा नेता अमरदीप सिंह औलख को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा कॉल आया है। बिश्नोई वही शख्स है जिसका हाथ सिंगर सिंधु मूसेवाला हत्याकांड में रहा है। सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है, वह तिहाड़ जेल में बंद है। कारोबारी औलख मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी हैं। इंदौर एक में विधानसभा चुनाव की कमान भी उन्होंने ही संभाली थी। उन्हें गैंगस्टर के नाम से वॉइस मैसेज भी मिला है। नंबर +44 से शुरू हो रहा है, जो कि ब्रिटेन यूके का कोड है। कंफर्म नहीं है कि कॉल वहीं से किया गया है या फिर भारत में ही किसी विदेशी नंबर से कॉल करके धमकाया गया है। क्राइम ब्रांच जाँच कर रही है। स्टारलिंक, स्काईलाइन, नियर मयंक वाटर पार्क, बिचौली हप्सी निवासी कारोबारी अमरदीप सिंह औलख ने क्राइम ब्रांच को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कॉल आया है। रंगदार दिखाते हुए रुपए मांगे गए हैं। वॉइस मैसेज भेजकर कहा है कि मेरी बात नहीं माने तो ठीक नहीं होगा, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना 19 जनवरी की है। औलख ने पुलिस से आगामी चुनाव को देखते हुए सुरक्षा मांगी है। भाजपा से जुड़े हैं औलख। औलख भाजपा से जुड़े हुए हैं। अभी उज्जैन लोकसभा के पूर्व विस्तारक का प्रभार भी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के लिए इंदौर एक के लिए काम कर चुके हैं। ग्वालियर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। पहले भी उनके पास ऐसे ही धमकी भरा कॉल ग्वालियर से भी आया था। औलख ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंदौर में दोबारा कॉल आने पर औलख ने भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक योगेश मेहता के साथ कमिश्नर मकरंद देउस्कर से मिले हैं। इसके बाद देउस्कर ने जांच के आदेश दिए हैं। सेकंड का वॉइस कॉल आया। रिपोर्ट में बताया गया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा विस्तारक बनकर विधानसभा क्षेत्र एक में संगठन का काम देख रहा था। वर्तमान में उज्जैन लोकसभा क्षेत्र का विस्तारक प्रभारी हूँ। 19 जनवरी की रात को 1 बजे मुझे आरोपी नंबर धारक से व्हाट्सएप पर 2 मिस कॉल दिए। फिर 6 सेकंड का वॉइस कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा, अमरदीप फोन उठा ले, लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, फोन उठा ले तो अच्छा होगा, तू हमारे बारे में जानता ही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भाजपा नेता की मिली इस धमकी पर प्रतिक्रिया दी है और हर परिस्थिति में देश के साथ है। भारत और विदेश में बैठे कुछ लोग लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। भारत में रहने वाले हर सच्चे सिख को परेशानी होती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।